नीतीश कुमार शायद दुखी हैं कि सोशल मीडिया उनके साथ न्याय नहीं कर रहा, उनकी आलोचना कर रहा है, लेकिन ऐसी आलोचना पर कार्रवाई का आदेश निकालने के बाद उनको और ज्यादा हमले झेलने पड़े। मैंने एक पत्र इशू किया है जो सभी विभाग के प्रधान सचिव और सचिवों को है, और इसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि जो सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है, खासतौर से गवर्नमेंट के फंक्शनरीज के साथ, उसके बारे में अगर उनके पास शिकायतें हैं तो वो ईओयू को भेजे, जो नोडल एजेंसी है स्टेट की, और हमारे पास इस तरह का सोशल मीडिया के मिसयूज में जो भी मामले आएंगे उसकी जांच होगी। जांच में विधिवत तरीके से देखा जाएगा कि अगर वो कॉग्निजिबल ऑफेंस का मामला बनेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र कुमार को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। लोकतंत्र में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का ऑलवेज वेलकम है, स्वागत रहता है। क्रिटिसिज्म हमेशा ही लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, परंतु क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और साथ ही उसकी भाषा सम्मानजनक और मर्यादित होनी चाहिए। जो ये एडवाइजरी इशू की गई है आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से, वो ये है कि यदि अफवाह टाइप की सूचनाएं हों, गलत सूचनाएं हों और जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हों और अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग करने वाली जो है बातें सोशल मीडिया पे कही जाएं, तो उनके बारे में सूचित किया जा सकता है, क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। हालांकि इसके पहले भी नीतीश मीडिया के सवाल पर बुरी तरह बौखलाते देखे गए हैं। पटना में सरेआम हुई हत्या पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो वे अपने पहले से 15 साल का हवाला देने लगे। जिनको राज मिला 15 साल तक पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? इसके अलावा अभ्यर्थी शिक्षकों का धरना ना होने देने के लिए भी उनकी आलोचना हुई। इन सबका फायदा सीधे सीधे तेजस्वी को मिल रहा है, जो शुक्रवार को भी नीतीश पर हमला बोलते दिखे और चुनौती दी कि नीतीश उन्हें गिरफ्तार कर दिखाएं। सरकार के खिलाफ कोई बोले ना, अगर भ्रष्टाचार हो रहा तो क्यों ना कोई बोले। अगर कहीं कोई विभाग में या कोई मंत्री अगर गड़बड़ी कर रहा है तो कोई क्यों ना बोले। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और समाजवादी नेताओं को क्रिटिसिज्म से डर किस बात का। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।